तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की बात करनी है। पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन दे दिया है। वजह, यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का मकसद पूरा करना। चैलेंज कितना बड़ा है, मुश्किल कितना है, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है, जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का ये सपना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाया जाए। वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बता चुके हैं, बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को $1 मिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आज यहां पर अंतिम रूप देने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा गंभीर कदम उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया, यानी एक तरह से देश भर के कारोबारियों को आमंत्रित किया गया है यूपी में निवेश करने के लिए। यूपी सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसमें ये सारे कारोबारी घराने बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। इसीलिए 25 मार्च को योगी के शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घरानों को आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ITC ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और IGL ग्रुप भी शामिल है। पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मिशन को आगे बढ़ाने में योगी आदित्यनाथ भी जोर शोर से लगे हुए हैं। इसीलिए योगी की ताजपोशी में कई उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्हीं में से एक है रिलायंस इंडस्ट्री। मुंबई के नरीमन पॉइंट में मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेकर चेंबर है और यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री के सर्वे सर्वा मुकेश अम्बानी बैठते हैं। मुकेश अम्बानी की कंपनी से नीरज अम्बानी योगी की ताजपोशी के लिए लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ा सवाल लेकिन ये है कि क्या 5 साल का वक्त काफी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। अब धीरे धीरे वो पुरानी स्पीड पर आ रही है, लेकिन तब भी चुनौती आसान नहीं है। अगर अभी यूपी की अर्थव्यवस्था देखें तो ये करीब 19 लाख करोड़ की है। 5 साल बाद साल 2027 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है और ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9.4 लाख करोड़ की। अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गई है। यानी हकीकत यह है कि पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 गुनी ही बढ़ पाई है। यानी साफ है कि सिर्फ 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 8 साल में इकोनॉमी सिर्फ 2 गुना ही बढ़ी है। तो फिर अगले 5 साल में 4 गुना बढ़ाने का टारगेट असंभव ही नजर आता है।
चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले 2 साल तो कोरोना की वजह से नुकसान में ही निकल गए। हालांकि पिछले 5 साल की बात करें तो सीएम योगी की तरफ से राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए काफी कोशिशें की भी गई है और उनकी इन कोशिशों का असर दिखा भी है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ा है। साल 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए था। साल 2018-19 में ये घटकर सिर्फ 234 करोड़ पर आ गया, लेकिन साल 2019 और 21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और विदेशी निवेश 5758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। योगी सरकार की कोशिश विदेशी निवेश और ज्यादा बढ़ाने के साथ देसी निवेशकों को भी अपनी तरफ खींचना है और इसीलिए सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में देश के नामी गिरामी कारोबारी ग्रुप्स को बुलाया गया है, जिससे ये संदेश जाए कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए यूपी सरकार बेहद गंभीर है और ये सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो फिर देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में फायदा होगा बल्कि इससे यूपी की जनता को भी फायदा मिलेगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का असर ये होगा कि राज्य में गरीबी घटेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, पर कैपिटल इनकम यानी लोगों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर योगी सरकार अगले 5 साल में ये लक्ष्य हासिल कर लेती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और इस मॉडल का इस्तेमाल दूसरे राज्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।